हेलो एवरीवन, 18 जून से मेरा कंप्लीट कोर्स आ रहा है इंग्लिश का। बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस पूरी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, चाहे ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, राइटिंग स्किल्स हो। रोज 7 से 8 बजे क्लास होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है आप लोगों के हर तरह के क्वेश्चन और डाउट के लिए। लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है? इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोले जा रहे हैं? जल्दी मुझे नहीं है, जल्दी तुम लोगों को है। कभी कोई स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि सर 2 महीने में कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा दीजिए एक एक चीज़। कुछ तो यहाँ तक बोलते हैं कि सर 1 महीने का कैप्सूल कोर्स ले आइए जिसमें एक एक चीज़ इंग्लिश की कवर हो जाए, ग्रामर की भी, वोकेबलरी की भी, राइटिंग स्किल्स भी। तुम बहुत जल्दी में हो और तुम्हें इंग्लिश कायदे से भी सीखनी है, ये दो चीज़ें साथ में नहीं हो सकती हैं। लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू, तुम्हें इंग्लिश को ढंग से पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और कुछ लोग तो शायद इतनी जल्दी में होंगे कि इस वीडियो को ही बंद कर दें। तुम्हारे ही भले के लिए, तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। छोटा सा वीडियो है, अनाउंसमेंट करने आया हूं, बेहद जरूरी, तो इसको एंड तक देखो। पहला अनाउंसमेंट यह है कि मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से काफी एडवांस लेवल तक का, एब्सोल्युटली फ्री, नो फीस विल बी चार्ज्ड, और 120 लेक्चर्स आपको अटेंड करने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम 7 to 8 PM। और इस कोर्स के क्या कॉन्टेंट्स होंगे ये देख लेते हैं। चैप्टर वाइज स्टडी ऑफ ग्रामर, चैप्टर वाइज कह लीजिए, टॉपिक वाइज कह लीजिए, हर टॉपिक की बहुत ही डिटेल में स्टडी की जाएगी, चाहे टेंसेज हो, प्रेपोजिशन हो, एडवर्ब हो, एनी टॉपिक। सभी रूल्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, साथ ही साथ जो रूल्स के एक्सेप्शन होते हैं, स्पेशल केसेस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, इन सब पर बड़ा अच्छा डिस्कशन होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होंगे। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो स्टडी होती है ग्रामर की, वो बहुत ही सरफेस लेवल की होती है, वो भी पूरी तरह से रट्टाफिकेशन बेस्ड। तो बहुत जगहों पे आपकी आंखें खुलेंगी, इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू, ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। फिर आते हैं वोकैबुलरी पे, वोकैबुलरी की स्टडी भी बहुत डिटेल में होगी, किसी भी वर्ड का मीनिंग तो डिस्कस हो गई, जो भी वर्ड डिस्कस हो रहा होगा उसका मीनिंग, साथ ही साथ उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स उसका यूसेज देखने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स वर्ड्स की मीनिंग तो याद कर लेते हैं, रटने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन वो उस वर्ड को यूज नहीं कर पाते, ना उस वर्ड का गलत यूज पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनको उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता होती है। तो किसी भी वर्ड के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पर आते हैं, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, जो बहुत से स्टूडेंट्स की कमजोर कड़ी होती है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है रीडिंग में एक्यूरेसी की, मीनिंग एक्यूरेटली नहीं निकाल पाते हैं मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट, बहुत लोगों की स्पीड का इशू होता है कि जब तक थर्ड पैराग्राफ तक पहुंचते हैं भूल चुके होते हैं कि पहले पैराग्राफ में और सेकंड में क्या पढ़ा था। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम दोनों होती है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड। अलग अलग तरह के पैसेजेस डिस्कस होंगे इस कोर्स में, और पैसेजेस अलग अलग फील्ड के होंगे, और पैसेज को पढ़ने की क्या टेक्निक है, अपनी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, सब पे बात होगी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी इसमें। फिर आते हैं पैरा जंबल सेंटेंसेस पे, जो आजकल बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाता है, जो जंबल सेंटेंसेज होते हैं, सेंटेंसेस के ऑर्डर को उलट पुलट देते हैं, आपको रीअरेंज करना होता है, वो डिस्कस होगा। और सबसे मुश्किल पार्ट पे आते हैं इंग्लिश के, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग। प्रेसी का मतलब कि आपको एक पैसेज दिया है, आपको उसको 1/3 करके लिखना है अपनी खुद की लैंग्वेज। तो और ऐसे तो आपको पता ही है, किसी भी टॉपिक पे आपको 300 वर्ड्स का, 400 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का एक लेख लिखना है। अब ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स की ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, एक ही वर्ड बार बार यूज करते हैं, वोकैबुलरी का रिपीटिशन होता है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, ऐसे अगर सही भी लिखा है तो कोहेरेंट नहीं होता है। तो ऐसे लिखने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से मेथड से आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे आप ऐसे को डेवलप करते हैं, और अपनी मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें ऐसे को, और लिंकिंग वर्ड्स को यूज करके कैसे कोहेरेंट बनाएं, सब पे बात होगी। तो आपको ये पता रहे, कोई भी जल्दबाजी में मैं नहीं हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ना हो, क्योंकि तो जल्दी से कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम 5 से 6 महीने देने ही पड़ेंगे इंग्लिश को कायदे से सीखने के लिए। और चाहे आप किसी टीचर से पहले इंग्लिश पढ़ भी चुके हों, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने क्या बोला था कि आपकी ऑलमोस्ट हर लेक्चर में आंखें खुलेंगी, इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू, आपको खुद देखने को मिलेगा।
और जो लोकल बुक्स हैं इंग्लिश की, ग्रामर और वोकैबुलरी की, उनमें कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको क्लासेस में दूंगा वो ऑथेंटिक होगी, आप उसको किसी भी अच्छे डिक्शनरी से वेरीफाई कर सकते हैं। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है आप लोगों के हर तरह के क्वेश्चन और डाउट के लिए, आप सिर्फ मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट देता रहूंगा, क्लासेस की लिंक्स भी शेयर करता रहूंगा, आप सिर्फ लिंक एक्सेस करके मेरी क्लास में आ सकते हैं। कभी आप लाइव क्लास मिस करते हैं तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि वो तो यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा। द नेम ऑफ माई चैनल इज रियल इंग्लिश, रियल इंग्लिश बाय शायान जैदी। दिस इज ऑल अबाउट माई टीचिंग प्रोफाइल एंड द सेकेंड अनाउंसमेंट। द सेकेंड अनाउंसमेंट इज अबाउट द स्पेशल प्रैक्टिस बैच। ये तो कंप्लीट कोर्स हो गया इंग्लिश का जो रोज चलेगा शाम को 7 से 8, जो मैंने बताया। अब अनाउंसमेंट है स्पेशल प्रैक्टिस बैच के बारे में, जो यूट्यूब पे नहीं होगा, जो अनअकैडमी पे मैं लेता हूँ। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी, अनअकैडमी की फ्री प्लेटफॉर्म पे भी और उनके प्लस वाले पेड प्लेटफॉर्म पे भी। डेली मेरा फ्री प्रैक्टिस बैच होता है, 2 क्लासेस होती हैं, उनकी टाइमिंग्स में व्हाट्सएप पर डालता रहता हूँ, मैं टेलीग्राम पे भी हूँ। वैसे नए और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, नए ट्रिकी और टफ क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे खुद ही बनाए हुए होते हैं। किस फॉर्मेट पे? स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, जो भी आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फॉर्मेट है उसके ऊपर। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। उससे आप अगर मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड नहीं है, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एंड कीप फॉलोइंग माई लेक्चर्स बोथ ऑन यूट्यूब एंड ऑन अनअकैडमी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी क्लासेस को एक्सेस कर सकता है। थैंक यू।